असी धन्नवादी हाँ जथेदार संत बाबा निहाल सिंह जी मुखी तरना दल हरियां वेलां जिन्हों के आशीर्वाद नाल ये प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा है। प्रोग्राम रिश्वां विशा पहला कदम। किसी पिंड तो थोड़ी दूरी ते एक मंदिर सी, दूर दराडे लोग उत्थे दर्शन लई आउंदे सन, पर उस पिंड दा नौजवान कदे उस मंदिर नूं देखण नहीं जा सकिया। उस नूं हमेशा यही लगता सी कि मंदिर बहुत दूर है अते उत्थे जांदे जांदे ही हनेरा हो जाएगा अते फिर उसनू घर वापस आने की तकलीफ होगी। एक दिन सूरज अस्त होने वाला सी, उदों उस नौजवान ने एक बुढ़ा साहो साही होया मंदिर वाल जाता दिखाई दिता। वो हैरत विच पै गया कि दूरी के भय कारण जिस मंदिर का वो अजे तक दर्शन नहीं कर सकिया सी, उस दे दर्शन लई वो बजुर्ग दिन ढलन की परवाह नहीं कर रहा सी। उसने झिझकदियां पुछ ही लिया, बाबा जी ये किदां संभव है, एक एक कदम चल के तुसी उन्नी दूर मंदिर के दर्शन करन किदां जा सकते हो, भला एक एक कदम चल के कोई किदां एडा वड्डा सफर तय कर सकता है। नौजवान के अजिहे नज़रिए तो हैरान बाबा थोड़ी देर रुकिया अते कहन लगा, बेटा इंसान तो हमेशा एक बार एक कदम ही चलता है, फिर घबराना कि यही एक इकला कदम साड़ी जीवन यात्रा का सब तो अहम कदम होता है जो साड़े जीवन में गति प्रदान करता है। बाबे दियां गल्लां सदका नौजवान जिंदगी के अनमोल रहस का पता लगा। वो पहली बार बाबे नाल जाके मंदिर के दर्शन कर सकता सी। सच पुछो तां मनुख अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण काम इसे लई नहीं कर सकता क्योंकि वो पहला कदम चुकन तो कहता है, उसनू हमेशा असफल होने का शंका सतौंदा रहिंदा है जो उसके पैर सब तो वड्डी बेड़ी हुंदा है। यकीनन मनुख की इस वड्डी तो वड्डी हार होर कोई नहीं हो सकती। कहिंदे हन कि इस दुनिया की सब तो लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम नाल ही हुंदी है। हर छोटे तो वड्डे काम की शुरुआत पहला कदम पुटन नाल ही हुंदी है। जब इंसान अपनी मंजिल वल तुरना शुरू कर दिंदा है ते सिरड़ नाल अगे वधदा जांदा है तां तीर सवेर वो अपनी मंजिल ते पुज ही जांदा है। अजिहे विच अपने सुपनिआं नूं साकार करन दी राह विच पहली पुलाक पुटन तों डर कदा। Thank you.